डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. आई एम मिस अनीसा इस्लामिया, टीचर ऑफ क्लास 7. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन. आज ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है और लेक्चर नंबर 26 में हमने 21 से लेकर 26 तक स्टेटमेंट पढ़ी थी ग़ज़वा तबूक चैप्टर नंबर 11 की, और ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको याद करने के लिए दी थी. यकीनन आपने इनको याद कर लिया होगा. आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 शुरू करेंगे, खुतबा हुजातुल विदा. पेज नंबर 12 खोलिए अपनी नोट्स का. 1 से लेकर 5 तक हमने इसकी स्टेटमेंट्स आज पढ़नी है. मैं रीडिंग कर रही हूँ पहली से. जब इस्लाम के अकायद, अमाल और शरीयत के फ़रोग की तकमील हो चुकी तो इस वक्त ये हुक्म नाजिल हुआ, जब अल्लाह की मदद आ जाए और तुम लोगों को अल्लाह के दीन में जोग दर जोग आता देख ले तो अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ, और इससे मगफरत मांग, बेशक वो बड़ा ही तोबा कबूल करने वाला है. स्टेटमेंट नंबर 2 है. इन आयात से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अल्लाह की रज़ा इस बात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लें कि तबलीग रसालत का फ़र्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुम्मे था वो पूरा हो गया. स्टेटमेंट नंबर 3 है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब के मुसलमानों के सामने खसूसन और सारी दुनिया के लिए इस्लाम, इनकी शरीयत और इखलाक के असासी असूलों का ऐलान करने के लिए हज का ऐलान फरमाया. स्टेटमेंट नंबर 4 है. इस्लामी तारीख में इस हज को हुजातुल विदा का नाम दिया गया है. स्टेटमेंट नंबर 5 है. हुजातुल विदा के मायनी है पहला और आखिरी हज. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 से. जब इस्लाम के अकायद यानी कि जितने भी अकीदे इस्लाम के थे वो पूरे हो चुके, और जितने भी अमाल यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने जो भी काम सौंपा था वो सारा उन्होंने पूरा कर लिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर हुक्म नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जब अल्लाह की मदद आ जाए तो तुम लोगों को अल्लाह के दीन में जोग दर जोग आता देख ले. जब अल्लाह की मदद पहुंच गई और लोगों ने इस्लाम कबूल शुरू करना शुरू कर दिया ग़ज़वा तबूक के बाद, बहुत से काफ़रों ने इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब ऐसा देखो कि अल्लाह की मदद आ गई है और लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया है तो अपने रब की तस्बीह करने लग जा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म था कि तो फिर अपने रब की हमदो सना में मसरूफ़ हो जा और इससे मगफरत मांग, बेशक वो बड़ा ही तोबा कबूल करने वाला है. जब ये आयत जो थी नाजिल हुई तो इन आयत से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात समझ गए कि अल्लाह ताला की रज़ा इस बात में है, यानी कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लें कि तबलीग रसालत का फ़र्ज़ जो आपके ज़ुम्मे था वो पूरा हो गया है. अल्लाह ताला ने जो काम दिया था तबलीग का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उन्होंने बड़ी ही खुश असलूबी से पूरा कर लिया है. और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब के मुसलमानों के सामने खसूसन यानी कि अरब के रहने वाले जो लोग थे उनके सामने और सारी दुनिया के सामने इस्लाम और इसकी शरीयत और इखलाक के असासी असूलों का ऐलान करने के लिए हज का ऐलान कर दिया, और फिर ऐलान किया कि अब हज किया जाएगा. इस्लामी तारीख में इस हज को हुजातुल विदा का नाम दिया जाता है. ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसको इस हज को हुजातुल विदा का नाम देते हैं. और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था और ये वो हज था. फिर उसके बाद हुजातुल विदा यानी कि इस हज का जो नाम है हुजातुल विदा. अब हुजातुल विदा के मायनी क्या हैं? हुजातुल विदा के मायनी है पहला और आखिरी हज, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही हज किया था, तो यही पहला हज था और यही आखिरी हज था, इसीलिए इस हज का नाम जो है हुजातुल विदा है. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की हमने 5 स्टेटमेंट पढ़ी हैं 1 से लेकर 5 तक.
ये चैप्टर ही आपका खुतबा हुजातुल विदा यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया और उस पर जो खुतबा दिया उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और खुतबा हुजातुल विदा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारे इस्लाम में। घर का काम जो है आपका, उसमें आपने यही पांच स्टेटमेंट यूनिट नंबर 12 हुजातुल विदा की 1 से लेके 5 तक आपने याद करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 28 होगा नेक्स्ट, और उसमें हम स्टेटमेंट 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 खुतबा हुजातुल विदा की इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।